गाइस एसके लेवल एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं यहां पर बात करूंगा जो आपको SOM वर्सेस KET यानी कि जो आपको समरसेट वर्सेस कैंट के बीच में यहां पर इंग्लिश T20 ब्लास्ट का आपको जो आज का मैच खेला जाता दिखेगा उसके बारे में मैं यहां पर बात करने वाला हूं। यहाँ पर चार बड़े चेंजेस हैं दोनों टीम्स में, यहाँ पर दो दो चेंजेस हैं, समरसेट में भी दो चेंज है और केंट में भी दो चेंज है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ये मैच भी आपके लिए अच्छा बन सकता है क्योंकि चेंजेस हैं, तो यहाँ पर नए प्लेयर्स खेलेंगे इस मैच में, तो आपके लिए अच्छा मैच बन सकता है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पर स्क्वायर दिखा देता हूँ, ये समरसेट का आप स्क्वायर देख सकते हैं। इनकी टीम में दो चेंज है, यहाँ पर जैक लीच और क्रैग ओवरटन दोनों जो यहाँ पर इंटरनेशनल ड्यूटी है यानी कि दोनों इंग्लैंड की टीम में थे, दोनों वापस आ चुके हैं और दोनों इस मैच के लिए अवेलेबल हैं। तो दोनों गाइज आपको खेलते दिख जाएंगे, क्रैग ओवरटन तो पक्का खेलेंगे, जैक लीच भी मुझे लग रहा है मैक्स वेलर की जगह पर खेलेंगे। वहीं पर गाइज यहाँ पर अगर बात करेंगे केंट की टीम में, तो केंट की टीम में आपको जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा वो यह है कि यहाँ पर जो सैम बिलिंग्स है, आपको पता है कितने कमाल के प्लेयर है सैम बिलिंग्स, T20 ब्लास्ट में बहुत अच्छा हर साल परफॉर्म करते हैं, इंग्लैंड के लिए भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, बहुत कमाल के प्लेयर हैं, ये वापस आएंगे और साथ में इनके साथ में जैक क्रॉली जो कि इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैचेस खेलते हैं वो भी वापस आएंगे इस मैच के लिए। तो दोनों टीम्स में ये दो चेंजेस हैं, तो आप इसका यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब चलिए गाइस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पहले आप पॉइंट्स टेबल अगर देखिएगा अभी तक, तो यहाँ पर समरसेट की टीम यहाँ पर दोनों मैच हारी है और केंट की टीम तीन में से तीनों जीती है, तो केंट की टीम ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है और बिलिंग्स के आने से और भी ज़्यादा ये स्ट्रांग बन गई है। तो ज़्यादा यहाँ पर फेवर आप केंट को ही करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर आप स्टैट्स देख लीजिए, ये समरसेट का स्टैट्स है दोनों मैचेस का, ये बैटिंग का है और ये यहाँ पर बॉलिंग का है। अगर आप बैटिंग में देखेंगे टॉम एबल अभी तक दो मैचेस में इन्होंने 73 रन किए हैं 36 के एवरेज और 146 के स्ट्राइक रेट के साथ, हिल्डरनेथ ने दो मैचेस में 70 रन किए हैं 35 के एवरेज और 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, मर्चेंट डी लांगे ने दो मैचेस में 27 रन किए हैं और कोई प्लेयर उतना अच्छा नहीं कर पाया है। वहीं पर बॉलिंग में देखेंगे तो ब्रुक्स के नाम दो मैच में एक विकेट है, मर्चेंट डी लांगे के नाम दो मैचेस में चार विकेट हैं, डेवी के नाम दो मैचेस में पाँच विकेट है और यहाँ पर किसी बॉलर को यहाँ पर विकेट नहीं मिला है। उसके अलावा आप यहाँ पर ये गाइज आप यहाँ पर केंट का देख लीजिए स्टैट्स तीनों मैचेस का ये बैटिंग का है और ये यहाँ पर बॉलिंग का है। इनके लिए अगर आप बैटिंग में देखेंगे टॉप रन स्कोरर है जैक लेनिंग, तीन मैचेस में 146 रन, 81 हाईएस्ट स्कोर, 73 का एवरेज और 152 का स्ट्राइक रेट, बहुत कमाल का खेले हैं। डैनियल बेल ड्रमंड तीन मैचेस में 108 रन इनके नाम पर हैं जो कि टीम के कैप्टन हैं, 36 के एवरेज और 154 के स्ट्राइक रेट। जॉर्डन कॉक्स के नाम पर तीन मैचेस में 102 रन है 34 के एवरेज और 124 के स्ट्राइक रेट के साथ, जो डेली के तीन मैचेस में 58 रन है 20 के एवरेज के साथ और यहां पर देखेंगे रॉबिन्सन तीन मैचेस में 58 रन यहां पर 19 के एवरेज के साथ, और बॉलिंग में देखेंगे तो बॉलिंग में तीन विकेट है दिल्ली के नाम पर तीन मैचेस में, और यहाँ पर देखेंगे स्टीवंस के नाम पर तीन मैचेस में पांच विकेटें हैं, फ्रेड क्लासन टॉप विकेट टेकर है तीन मैचेस में सात विकेटें, क्वाइस अहमद एक मैच ही खेले जिसमें दो विकेट, मैट मिल्स के नाम पर तीन मैच में दो विकेट हैं और यहाँ पर ग्रैंट स्टेवर्ट के नाम पर तीन मैचेस में दो विकेटें हैं, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए गाइस मैंने आपको स्टैट्स बता दिया, अब सबसे मेन यहाँ पर वीडियो का जो यहाँ पर मेन पार्ट वीडियो का अब स्टार्ट होता है। अब आपको गाइज बिल्कुल भी वीडियो मिस नहीं करना है, अब आपके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एकदम बेस्ट टू बेस्ट आपको मिलेगी, टीम बनाते हुए मैं आपको एकदम बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा। स्टैट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, अब इन्फॉर्मेशन की बारी है। पहले विकेट कीपर सेक्शन पर आते हैं, यहाँ पर सैम बिलिंग्स, टॉम बैंटन, ओलिवर रॉबिन्सन और जॉर्डन कॉक्स चार प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से जहाँ तक मुझे पता है बैंटन और बिलिंग्स ये दोनों तो पक्का खेलेंगे। अब रॉबिन्सन कॉक्स में से कौन खेलेगा ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, कॉक्स ज़्यादा बेटर खेले रॉबिन्सन के मुकाबले, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कॉक्स को खेलना चाहिए। अभी के लिए आप क्या कीजिए, रॉबिन्सन कॉक्स दोनों को इग्नोर करिए, मेरे हिसाब से विकेट कीपर में यही दोनों आपके लिए बेस्ट है, बैंटन और बिलिंग्स, ठीक है। ये दोनों प्लेयर्स कमाल के हैं, दोनों इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, बिलिंग्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा टेक्निकल साउंड बिलिंग्स है लेकिन बिलिंग्स आएंगे मिडल ऑर्डर में और बैंटन आएंगे ओपन, दोनों कमाल के प्लेयर्स हैं, आप दोनों को भी ले सकते हैं। मैं अभी के लिए गाइस यहाँ पर दोनों के साथ जाऊँगा।
अब हम यहाँ पर अभी के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं लास्ट में यहाँ पर आऊँगा, पहले मैं आपको सारे प्लेयर्स के बारे में एकदम अच्छे से बता देता हूँ। बैटिंग सेक्शन पर आते हैं, यहाँ पर जो प्लेयर्स आपको खेलते दिखने चाहिए, जो मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छे रहेंगे इस मैच के लिए, उन्हीं प्लेयर्स को मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5 प्लेयर मेरे हिसाब से बैटिंग सेक्शन में से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिल्डरनेथ ओपन करेंगे दोनों मैचेस अच्छा खेले, एबल आएंगे यहाँ पर मिडल ऑर्डर में, ये भी अच्छे प्लेयर हैं अच्छा खेले हैं। बेल ड्रमेट बहुत कमाल का खेले हैं, ये ओपन करेंगे, टीम के कैप्टन है। लैनिंग है टॉप रन स्कोरर, मिडल ऑर्डर में आएंगे और टाइम आने पर बॉलिंग भी कर सकते हैं। क्रॉली का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वन डाउन एक्सपेक्टेड है कि आएंगे, तो ये भी अच्छा कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर ये 5 ऑप्शन है, 5 में से आप 3 या फिर 4 को ले सकते हैं, मेरे हिसाब से वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। स्मॉलली के हिसाब से अगर बात करेंगे, बेल ड्रामेड, हिल्डरनेट, एबल और लैंडिंग बेस्ट है। ग्रैंडली के हिसाब से क्रॉली बेस्ट है। तो ये सब आपके लिए कुछ ऑप्शन है गाइस। अब यहाँ पर हम चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पर, वहाँ पर देखते हैं कि कौन से प्लेयर खेलेंगे और कौन से अच्छे हैं। तो यहाँ पर अगर ऑलराउंडर सेक्शन पर आएंगे गाइस, तो ऑलराउंडर सेक्शन में मैं आपको 3 ही प्लेयर सजेस्ट करूँगा, जो डैनली, लुइस ग्रेगरी और डैरन स्टीवंस, ठीक है। डैनली ओपन के साथ लगभग 4 ओवर डालेंगे लेग स्पिन, ज़्यादा ये मेन बैट्समैन है इनका ध्यान रखें। ग्रेगरी दोनों काम करेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों, इस साल अभी तक दोनों मैचेस में अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन कमाल के प्लेयर हैं, समरसेट के कैप्टन हैं, तो ज़रूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डैरन स्टीवंस का ज़्यादा रोल बॉलिंग से ही है, बैटिंग भी टाइम आने पर कर सकते हैं। तो ये 3 ऑलराउंडर में आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो तीनों के साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो दो को तो जरूर लें। बॉलिंग सेक्शन पर आते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन पर गाइज यहाँ पर मर्चेंट डी लांगे, डैबे और यहाँ पर मैं बात करूँगा क्वाइस अहमद, क्लासन, ये 4 और एक यहाँ पर क्रैग ओवरटन होंगे, यहाँ पर ये है, ये 5 प्लेयर्स यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में मेरे हिसाब से आपके लिए की रहेंगे। इसमें से पहले मैं आपको क्रैग ओवरटन के बारे में बता देता हूँ। क्रैग ओवरटन अभी यहाँ पर इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड में थे, अगर आपको नहीं पता है तो, बहुत कमाल के प्लेयर हैं, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पिछले साल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके अलावा मर्चेंट डी लांगे साउथ अफ्रीका से आते हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, विकेट निकालते हैं, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो 2 प्लेयर्स हैं ये तो गाइज आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके देंगे। डैबी अभी तक टॉप विकेट टेकर है टीम के, तो ये भी अच्छे बॉलर हैं। क्वाइस अहमद आपको पता है अफगानिस्तान के लेग स्पिनर हैं, ये भी काफ़ी कमाल के हैं। फ्रेड क्लासन तो टॉप विकेट टेकर है केंट के, नदरलैंड से आते हैं, ये भी कमाल के हैं। तो जो 5 गाइज जो ऑप्शन है ना बॉलिंग सेक्शन में, 5 कमाल की है। अब इनमें से कन्फ्यूजन ये है कि 5 में से आप 4 को मेरे हिसाब से ले, 5 को भी ले सकते हैं ग्रैंड लीग में, लेकिन 4 को तो आप पक्का ले, ठीक है। ये सब आप कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। अब चलिए गाइज मैं आपको अपनी टीम यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया और मुझे किसे लेना है। पहले मैं विकेट कीपर सेक्शन में यहाँ पर बिलिंग्स और बैंटन को लूँगा। बैटिंग सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर हिल्डरनेट, बेल ड्रमेंड और यहाँ पर मैं बात करूँ तो लैनिंग को लूँगा। और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन पर आएंगे तो जो डैनली, लुइस ग्रेग। उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन पर आएंगे तो बॉलिंग सेक्शन में मैं यहाँ पर फ्रेड क्लासन, यहाँ पर क्रैग ओवरटन, मर्चेंट डी लांगे और यहाँ पर क्वाइस अहमद, इन 4 को लूँगा। ये गाइस मेरी अभी के लिए टीम है, इसमें यहाँ पर मैं चेंजेस कर सकता हूँ। 2 आपके पास बहुत कमाल की ऑप्शन है, एक है जॉस डैबे और एक है डैरन स्टीवंस, ये 2 तो कमाल के हैं ही, साथ में तीसरा टॉम एबल भी आपके लिए बहुत कमाल के ऑप्शन है। टॉम एबल भी अभी तक दोनों मैचेस में अच्छा खेले हैं गाइस, तो आप इनका भी ध्यान रखें, सॉरी एक मैच में अच्छा खेले हैं लेकिन अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ पर स्टीवंस और यहाँ पर डैबे को तो आप ज़रूर कंसिडर करें, एबल से ज़्यादा मैं उन दोनों को प्रेफर करूँगा, लेकिन मेरी अभी के लिए ये टीम बनती है। आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, स्टैट्स भी और इन्फॉर्मेशन भी। अब इसमें हम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन पर आते हैं, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर जो डैनली, लुइस ग्रेगरी, भले ही अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों से काम कर सकते हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखें। उसके अलावा सैम बिलिंग्स बहुत कमाल के प्लेयर हैं, आपको पता ही है, ये 3 हो गए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और ऑप्शन की, तो यहाँ पर काफ़ी लोग तो जैक लैनिंग को भी करेंगे, लेकिन वो थोड़ा नीचे आ रहे इसलिए मैं उतना सजेस्ट नहीं करूँगा। अभी के लिए मैं आपको डैनली, ग्रेगरी, बिलिंग्स और यहाँ पर ये 3 ही प्लेयर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन अभी के लिए करें, ठीक है। और बेल ड्रामेट को भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से रिस्की हो जाएंगे। 3 जो मुझे बेस्ट प्लेयर लग रहे हैं वो डैनली है, ग्रेगरी है और बिलिंग्स है। ग्रैंडली के हिसाब से अगर आपको करना है देन ग्रैंडिंग में मेरे हिसाब से क्रैग ओवरटन, मर्चेंट डी लांगे और यहाँ पर जो 4 बॉलर्स हैं वो ग्रैंडली के हिसाब से मेरे लिए बेस्ट, आपके लिए बेस्ट रहेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। स्पेशली क्रैग ओवरटन और मर्चेंट डी लांगे आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो ये गाइज अभी के लिए टीम है, इसमें डेफिनेटली चेंजेस होने वाली है। जो आपको फाइनल टीम अपडेट मिलेगी वो आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक कर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते। ये गाइस यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल है मेरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर आपको फाइनल टीम्स अपडेट मिलेगी, तो आप यहाँ पर ज्वाइन करना ना भूलें। साथ में गाइस आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक कमाल की यूनिक फैंटेसी ऐप का लिंक मिलेगा जिसका नाम है क्रिकेट प्लस प्लस। अगर आपने इस ऐप पर अभी तक खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा। आप अगर मेरे रेफर कोड SK11Expert से साइन अप करते हैं इस ऐप में तो आपको 25 का बोनस मिलेगा, जिसे आप 100% बोनस यूज कर सकते हैं हर मैच में। और यहाँ पर PSL वाले मैच में आप 500 भी जीत सकते हैं। एकदम यूनिक फैंटेसी ऐप है, इसका कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, तो आप इजीली इस ऐप में जीत सकते हैं। तो आपको इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर गाइज आप इस ऐप को एक बार चेकआउट करिएगा। मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत कमाल की ऐप रहेगी, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन कम है, इसका फीचर यूनिक है, तो आप इसमें अच्छी विनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 और यहाँ पर कमाल की फैंटेसी ऐप्स का लिंक मिलेगा जिसमें कंपटीशन बहुत कम है। ये पहला का यहाँ पर स्पॉट से नाम है, स्पॉट से में अगर आप साइन अप करते हैं आपको 500 का बोनस मिलेगा, 100% बोनस वाली लीग हर दिन मिलती है। PSL के मैचेस में तो अभी हर दिन आ रही है, तो ठीक है, तो स्पॉट से को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टेंट विड्रॉल आपको मिल जाता है 7 दिन। और यहाँ पर सबसे बेस्ट इस एप्लीकेशन की बात यह है कि जो आप अगर आप फ्रेंड को इन्वाइट करेंगे तो लाइफ टाइम आप फ्रेंड से यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं और आप उस पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हैं, तो ये बहुत कमाल का फीचर्स है। नेक्स्ट है प्राइम कैप्टन ऐप, ये डेली यहाँ पर गाइस गिव अवे दे रही है, बहुत कमाल की ऐप है प्राइम कैप्टन, तो आप इस पर भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 100 का साइन अप बोनस मिलेगा, 100% बोनस वाली लीग हर दिन आ रही है अभी यहाँ पर PSL के मैच में भी और साथ में फुटबॉल के मैचेस में भी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और जो नेक्स्ट ऐप है वो मेरी फेवरेट ऐप है, उस ऐप का नाम है गॉप्सकी। ये बहुत बड़ी बड़ी लीग्स में यहाँ पर गाइस फ्री वाले लीग्स देती है। आज के भी PSL मैच में अगर मैं आपको प्रूफ ये गाइस 25,000 का यहाँ पर गिव अवे है फ्री में, यहाँ पर आज के मैच में आप देख सकते हैं गॉप्सकी ऐप पर 100% बोनस यूज कर सकते हैं, आप 11 टीम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट से गॉप्सकी ऐप में यहाँ पर रजिस्टर करिए गाइस, आपको 500 का साइन अप बोनस मिलेगा, जिससे आप इजिली यहाँ पर 11 टीम्स बनाकर आज के मैच में 25K तक जीत सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपके पास अभी मौका है, ये ऐप आपको इंस्टेंट विड्रॉल भी देती है, मैंने आपको विड्रॉल प्रूफ की वीडियो भी बनाकर दी है, तो आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। एकदम ट्रस्टेड ऐप है, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर लीडर वर्ड कॉन्टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आपको बहुत मजा आएगा इस ऐप में खेलने में, तो आप जरूर खेल सकते हैं। हर दिन आपको ऐसे ही गिव अवे बहुत बड़ी बड़ी लीग्स में मिलती रहती है, तो गॉप्सकी ऐप पर आप जरूर खेले गाइस, इसका भी आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आप आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो बहुत जल्द मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।